बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमारी जो रनिंग एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3.4, और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को देखें तो इसके अंदर उसने हमसे तीन चीज़ें पूछी हुई हैं। जो चीज़ें उसने हमसे पूछी हुई हैं, जिनको हमने सॉल्व करना है, उसको मैंने ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। अब यहाँ पर उसने ये मेंशन नहीं किया कि किस तरीके से हमने इनवर्स को फाइंड आउट करना है। जब किसी भी तरीके को मेंशन ना किया जाए तो वो आमतौर पर कोफैक्टर्स का मेथड होता है। तो सबसे पहले इनवर्स को हम कोफैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आपको बेटा बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को पहले अच्छे तरीके से देख लें। बहरहाल, आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर भी उसको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और फिर रो ऑपरेशन के जरिए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर कॉलम ऑपरेशंस के जरिए हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। ये हमारे पास पहला पार्ट है। तो इसके अंदर हमने लेट ए के बराबर हमने इस मैट्रिक्स को हमने रख लिया। अब हमने इसके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। यहाँ पर ए मौजूद है तो A11 मालूम करेंगे, फिर A12, A13, इसी तरीके से A21, A22, A23, फिर A31, A32 एंड A33। तो इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, A11 और फिर -1 फार्मूले का 1+1 को हमने पावर में लिख देना है और फिर इसका माइनर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, -2 0 और -2 2, -2 0 एंड -2 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें। अब अगर -1 की पावर हमारे पास ऑड होगी तो हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस में, और अगर हमारे पास पावर जो होगी वो इवन होगी तो इसका आंसर आएगा प्लस के अंदर। तो यहाँ पर -1 की पावर हमारे पास 2 है और ये हमारे पास इवन है, तो -1 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, उसको आप लिखे या ना लिखे एक की बात है। तो -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर इस जो हमारे पास ये जो को माइनर है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम 0 के बराबर रख सकते हैं। अब A13 हमारे पास आ गया, -1 की पावर 1+3, ये दोबारा हमारे पास पावर किस में आ जाएगी बेटा, ये पावर हमारे पास आ जाएगी इवन में, और ये जब भी पावर इवन के अंदर हो तो आंसर हमारे पास -1 का +1 होगा, ठीक है। और ये 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और माइनस फार्मूले का -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 0 - 4 = -4। ये हमने A11, A12 और A13 के वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब A21, A22 और A23 के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। A21 -1, 2+1, हमारे पास पावर किस में आ गई हमारे पास बेटा, ये पावर आ गई हमारे पास ऑड, -1 2+1, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, फिर हमारे पास आ गया माइनस फार्मूले का, -2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस, और 4 - 6 हमारे पास किसके बराबर आएगा, -2 के। जब -2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसी तरीके से A22 को हमने फाइंड आउट कर लिया, A23 को फाइंड आउट कर लिया, अब लास्ट में हम A31, A32 और A33 को मालूम करेंगे। A31 हमारे पास किसके बराबर है, -1, और फिर 3+1, A31 की पोजीशन हमारे पास ये है,
ठीक है, कोफैक्टर हम इसका मालूम कर रहे हैं, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, इसका माइनर क्या आ गया, 2 -3 -2 0, 2 -3 और -2 0। अब इसको सॉल्व कर ले, ये पावर किसके अंदर है बेटा, ये इवन है, ये ऑड है, 3 + 1 विल बी इक्वल टू इवन पावर, तो इसलिए यहां पर -1 + 1 के अंदर चेंज हो जाएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस फार्मूले का -2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 0 - 6 इज इक्वल टू -6। इसी तरीके से A32 को फाइंड आउट कर लेंगे, A33 को फाइंड आउट कर लेंगे। ये माय डियर स्टूडेंट्स, हमने तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, और जैसा कि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो 3 बाय 3 मैट्रिक्स का होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने से मालूम हो जाता है, ये इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास, ये हमने बिलतरतीब वैल्यूज को पुट कर दिया, अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 2, ये मैंने रोज को कॉलम की सूरत में लिख दिया, -4 0 -4 -4 0 -4, 2 -4 -2, 2 - 4 -2, -6 0 -2, -6 0 -2, तो इसको हमने ट्रांसपोज इसका ले लिया। उसके बाद हम लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा किस तरीके से मालूम करना है, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बेशुमार दफा मैं आपको बता चुका हूँ, बहरहाल फिर भी आप बच्चों की आसानी के लिए या बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 किस तरीके से आई, ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग बाय रो 2, रो 2 को मैंने इसलिए चूज किया है ताकि यहाँ पर मैक्सिमम एंट्रीज 0 हैं, हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। -2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये वाली रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल और इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल, 1 -3 -2 2, 1 -3 -2 2, इसको सॉल्व कर लें, -2 एज इट इज आ गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, माइनस फार्मूले का -2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 - 6 - 2 इंटू -4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8, और वही यहां पर लिख दिया गया है। ठीक है बेटा, अब हम ए इनवर्स मालूम करना है, तो 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये वैल्यूज को पुट कर दे, वैल्यूज को पुट करने के बाद 1/8 स्केलर मल्टीपल है, ये अंदर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4/8 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, 2/8 हमारे पास आ जाएगा 1/4, और -6/8 हमारे पास आ जाएगा -3/4, 0 एज इट इज आ गया, -4/8 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, फिर 0 एज इट इज आ जाएगा, -4/8 -1/2, -2/8 -1/4 और -2/8 -1/4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट का जो कोफैक्टर्स के जरिए इनवर्स मालूम करना था वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि जो हमने रो ऑपरेशंस के जरिए ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज का जहन में होना जरूरी है। अब उन प्रॉपर्टीज को एक नजर व्यू कर लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट रो ऑपरेशंस। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज तो बेटा काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन से कंसर्न है, रिलेटेड है, वही मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की किसी भी 2 रोज को हम चेंज कर सकते हैं। माय डियर, यहां पर मैट्रिक्स की बात हो रही है, डिटरमिनेंट की बात नहीं हो रही। डिटरमिनेंट के अंदर क्या था, जब हम डिटरमिनेंट की 2 रोज को चेंज करते थे तो माइनस साइन आ जाता था, लेकिन यहां पर हमने माइनस साइन को नहीं लिखना। उसके बाद वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर के, हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, ठीक है बेटा, ये शर्त है।
और तीसरी प्रॉपर्टी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू एन अदर रो। ये तीन अहम तरीन प्रॉपर्टीज हैं। अब जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास बेटा ये देखें, इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन के जरिए इनवर्स को फाइंड आउट करना, ये हमारे पास लेट ए के बराबर है। अब इसके अंदर जो पहला हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीकेकार होता है, उसका जो बेटा पहला स्टेप होता है रो ऑपरेशन के जरिए, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके साथ लिखना होता है। बेटा समझ आ गई बात? यानी जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालने का कहा गया हो रो ऑपरेशन के जरिए, हमने उसके सॉल्यूशन के पहले स्टेप में ये करना होता है कि उसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना होता है 3 बाय 3 की। अब ये देखिए, ये मैंने ये मैट्रिक्स को लिख दिया और उसके साथ बेटा मैंने ये क्या काम किया, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दिया। ये हमने पहला अमल करना होता है। अब दूसरा स्टेप इसके अंदर ये होता है कि ये वाली जो हमें मैट्रिक्स दी गई है जिसका हमने इनवर्स मालूम करना है, हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दोबारा फिर सुने अच्छे तरीके से कि जिस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स रो ऑपरेशन से फाइंड आउट करना होता है, हमने सबसे पहले उसके राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाय 3 की लिखनी होती है और उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना होता है रो ऑपरेशंस के जरिए। और जब चेंज करेंगे तो जो ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करेंगे वो इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। ये ब्लंडर, ये गलती नहीं करनी कि एक मैट्रिक्स के ऊपर तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते रहें और इसको छोड़ दें, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, जब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर देंगे और जब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो इस मैट्रिक्स की फाइनल शेप को हम कहेंगे ये ए का इनवर्स है। क्लियर होगी बेटा बात? अब इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। अब यहां पर देखें, सबसे पहले यहां पर हमने 1 बनाना है। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, इसको हमें छेड़ने की, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई। और यहां पर 0 है और यहां पर -2 है, हमने इसको 0 बनाना है, हमने इसको 0 बनाना है, तो हमारा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए अब हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए R3 + 2R1, R3 + 2R1, -2 मौजूद है और इसका आंसर क्या होगा जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो -2 + 2 0, वही यहां पर हो गया -2 + 2 0। अब यहां पर क्या है, -2 + 4, -2 + 4 का आंसर क्या होगा, 2, फिर 2 हमारे पास -6, क्योंकि -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 - 6 हमारे पास बेटा क्या जवाब आ जाएगा, -4। वही अमल यहां पर भी करना है, 0 + 2 2 आ गया, फिर 0 + 0 0 आ गया, 1 + 0 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है, यहां पर 1 है लेकिन यहां पर बेटा -2 है, अब यहां पर हमने 1 लेके आना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर 1 किस तरीके से आएगा, जब इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। तो वही अमल मैंने यहां पर कर दिया, R2 को -1/2 के साथ डिवाइड कर दे, -1/2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 0/2 हमारे पास 0 आंसर, 0/2 हमारे पास 0 आंसर। अब यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 0/2 हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0, फिर हमारे पास -1 और -1/2, जब हमने 1 को -1/2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1/2 आ गया। ठीक हो गया, सिंपल बिल्कुल। उसके बाद 0 और 0, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रोसेस करना है, नेक्स्ट हमने प्रोसेस बेटा ये करना है कि हमारे पास
ये जीरो यहां पर भी आ जाए और यहां पर भी जीरो आ जाए। देखिए यहां पर जीरो लाने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, देखिए यहां पर आर वन माइनस टू आर टू, आर वन माइनस टू आर टू, और यहां पर जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, आर थ्री माइनस टू आर टू। इसको देख भी लेते हैं। सबसे पहले आर वन माइनस टू आर टू, आर वन हमारे पास क्या है टू, और यहां पर क्या है हमारे पास वन, तो माइनस टू आर टू का जवाब क्या आ जाएगा, माइनस टू, और टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, वो यहां पर लिख दिया। इसी तरीके से आर थ्री माइनस टू आर टू, आर थ्री हमारे पास क्या है टू, और माइनस टू आर टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू, और टू माइनस टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जीरो, वो यहां पर हमने जीरो लिख दिया। इसी तरीके से ये अमल जो है रो के बाकी एलिमेंट्स के साथ भी परफॉर्म होगा। चलिए आप बच्चों की आसानी के लिए इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसकी समझ आ गई बेटा अब आपको। अब हमारे पास क्या है कि आर वन माइनस टू आर टू, आर वन हमारे पास क्या है, ये माइनस थ्री प्लस, जब जीरो को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो माइनस थ्री एज इट इज रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से माइनस फोर प्लस जीरो, माइनस फोर एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अब इसके हम जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी यही जो प्रोसेसेस हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर देखिए बेटा हमारे पास क्या है, वन एज इट इज आ गया हमारे पास, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वन माइनस टू आर टू, आर वन हमारे पास क्या है जीरो, और हमारे पास माइनस टू आर टू, जब टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा, मैं आपको करके समझा देता हूं। देखिए जीरो लिखा, उसके बाद माइनस टू, ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू, माइनस वन ओवर टू। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास टू टू के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास माइनस इंटू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस वन। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन, वो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जीरो और ये जीरो, इसको छेड़ने की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि ये एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से आर थ्री माइनस टू आर टू, इसको भी अब आपने बेटा खुद ही देख लेना है। ये जो बुनियादी कंसेप्ट है इसका, वो मैंने आपको क्लियर साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे माइनस फोर के साथ। अब ये देखिए यहां पर माइनस फोर के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर वन आ गया, और टू इंटू माइनस वन ओवर फोर हमारे पास आ जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन ओवर फोर, हमारे पास माइनस वन ओवर फोर, और वन इंटू माइनस वन ओवर फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर फोर। उसके बाद बेटा हमारे पास, हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है कि यहां पर जीरो लेके आना है, तो यहां पर जीरो लेके आएंगे किस तरीके, यहां पर हमने जीरो लेके आना है, तो जीरो लाने के लिए हम यहां पर क्या अमल करेंगे, आर वन प्लस थ्री आर थ्री, आर वन प्लस थ्री आर थ्री। तो देखें आर वन हमारे पास क्या है, माइनस थ्री, और जब इसको आर थ्री को यानी कि वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री हमारे पास माइनस थ्री प्लस थ्री हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, और यही अमल हमने यहां पर भी परफॉर्म कर देना है। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं। यहां पर जब इस अमल को हम परफॉर्म करेंगे तो ये चीज बेटा थोड़ी सी समझने वाली है। यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, आर वन प्लस थ्री आर थ्री, आर वन हमारे पास क्या है वन, और हमारे पास थ्री आर थ्री, आर थ्री हमारे पास क्या है माइनस वन ओवर टू। जब माइनस वन ओवर टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा थ्री ओवर टू। देखिए इस तरीके से वन माइनस थ्री ओवर टू, इस तरीके से हमारा अमल होगा बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो टू
आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3, यहां पर 2 माइनस 3, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/2, -1/2, और वो ही यहां पर मैंने लिख दिया है, -1/2 मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4, उसको किस तरीके से हल करेंगे, ये देखिए 1 माइनस 3/4, इज इक्वल टू 4 माइनस, ये 4 LCM आ जाएगा, और 4 माइनस 3 हमने लिखा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 1/4 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, तो ये 1/4 मैंने यहां पर लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास 0 माइनस 3/4, क्योंकि इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 0 माइनस 3/4 का आंसर हमारे पास -3/4 आ गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व करके मैंने इसको यहां पर लिख दिया है। अब बेटा हम देखें कि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो गई है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया है। अब इसी को हम कह देंगे हमारे पास ये ए इनवर्स है, ये हमारे पास ए इनवर्स, ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है उसका रो ऑपरेशन के जरिए भी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इनवर्स को कॉलम ऑपरेशन के जरिए फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से है, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, और उसके बाद बेटा हमने इस मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है, लेकिन कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए। प्रीवियस सॉल्यूशन के अंदर हमने रो ऑपरेशंस के जरिए मालूम किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कॉलम ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, कॉलम ऑपरेशंस को यूज करना है। अब जहाँ हम देखें हमारे पास 1 है, और यहाँ पर हमने 0 बनाना है, और यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, जब यहां पर 2 होगा और 2 माइनस 2, ये हमारे पास क्या है, C2, और जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2 माइनस 2 कर देंगे, तो यहां पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर -3 है और -3 है, और जब हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी C3 प्लस 3C1, तो हमारे पास यहां पर 0 बन जाएगा। देखिए वही काम हमने यहां पर किया है, C2 माइनस 2C1, अब C2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस 2 हमारे पास 0, -2 एज इट इज आ गया, और -2 हमारे पास, और -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, -2 प्लस 4 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। और वही काम हमने यहां पर भी करना है, इस मैट्रिक्स के साथ भी परफॉर्म करना है। इसी तरीके से C3 प्लस 3C1 आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, -3 और +3 हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर 0 एज इट इज रह जाएगा, और 2 माइनस 2 यहां पर मौजूद है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -6, 2 माइनस 6 के आंसर आ जाएगा -4। वही काम हमने इस मैट्रिक्स के साथ भी कर लेना है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमने यहां पर 1 लेके आना है। यहां पर 1 किस तरीके से आएगा, जब इसको -2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो -2 को मल्टीप्लाई किया हमने -1/2 के साथ, तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। इसी तरीके से ये राइट साइड पर भी हमने इसी प्रोसेस को परफॉर्म करना है। और फिर हमारे पास क्या काम है बेटा, यहां पर हमने 1 बनाना है, यहां पर 1 बनाने के लिए यहां पर -4, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1/4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए -1/4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 1 आ गया, और वही काम हमने इसके साथ भी परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने यहाँ पर
क्या करना है, यहाँ पर हमने जीरो माइनस वन बनाना है और जीरो बनाना है, और यहाँ पर भी हमने जीरो बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सी वन प्लस टू सी थ्री करेंगे, और यहाँ पर जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, सी टू प्लस सी थ्री वाला काम करेंगे, और वही काम हमने यहाँ पर भी परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से बेटा हम ये वाली हमारी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइनल हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना था, वो ये काम हमने कंप्लीट कर लिया। और इस मैट्रिक्स की जो फाइनल शेप हमारे पास जो ये वाली आ गई, अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे इस मैट्रिक्स का इनवर्स है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बड़े आपने कूल माइंड, बड़े इजीली और बड़े ठंडे दिमाग के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आप इस मेरी वीडियो को दो तीन दफा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। अगर बेटा आपको इस वीडियो के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फौरन रेस्पॉन्स दिया जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके जो पार्ट नंबर टू है और पार्ट नंबर थ्री है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर